सलमान और आलिया के बीच में कुछ चल रहा है क्या? मुझे इतना पता है कि दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा है क्योंकि नेबर्स भी हैं। आई डोंट थिंक उसके अलावा उनके बीच में कुछ चल रहा है। आप डरती हैं? किससे? अपनी बात क्लियरली कहने से? जी नहीं, कुछ बातें समझदार लोगों को खुद ही समझ जानी चाहिए। तुम एक काम करना, जब उनसे मिलने जाओ तो असफर को साथ ले जाना। That'll help a lot. After all, your family now. बहुत जलस होंगे उस लड़की से जिससे तुम्हारी शादी होगी। यानी आलिया से? इसका मतलब है कि तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा ने भाभी से क्या बात की है। बहुत तेज हो तुम। हाँ, कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। हाँ सलमान, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी तो इसलिए बस अब पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। ओके। ऐसा करो सामिया, जरा आलिया को तो फोन करो। पता तो करो आलिया खैरियत से है, इतनी देर हो गई। मैंने कहा भी था 2-3 दिन छुट्टी कर लो, मामला ठंडा हो जाए तो फिर चली जाना, लेकिन मेरी कहाँ सुनता है इस घर में कोई। वो आलिया से बात हो गई, वो इस रास्ते में आ रही है। अच्छा सुनो, यूं करो कि अपनी सास को कॉल कर लो, शायद आ जाएं। रहने दो सामिया, हमारी एनिवर्सरी का केक उनसे थोड़ी कटवाना है। और ये मेरी उम्र के फूल कहाँ से लाए हो? नहीं बस आपसे 2-3 साल छोटे। अच्छी अरेंजमेंट की है। अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू। तुम्हारे से ही कराया करेंगे। तानिया बाजी, मैं और परमेश मैडम से मिला है, ऑडिशन भी लिया उन्होंने। खुद क्यों चली गई? मुझे बोलते मैं चलती तुम्हारे साथ। आपने जैसा कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। खुद से जाना, खुद से ऑडिशन देना कितना अच्छा लगता है। पहली बार किसी के सहारे के बगैर जाने में कितना अच्छा लगता है शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तानिया बाजी, आपके कॉन्फिडेंस से ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मैंने भी चुरा लिया है। आपकी इंस्टा की स्टोरी देखी थी मैंने, मेरा भी दिल किया मैं भी स्टोरी लगा दूं। बताओ उनको किस तरह लेते हैं ऑडिशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगा जी प्लीज जल्दी आ जाए, अगर साइज फिट नहीं हो फिर वापस भी करवाना होगा। अरे चुप करो मियां, हजार बंद निकल गया है। अचानक आप 20 साल छोटे हुए खरा? हाँ, अगली एनिवर्सरी पर मेरी 16वीं सालगिरह मनाना। वैसे इतने सजदज वाले कपड़े क्यों लेकर आए हो मेरे लिए? आप बस देखती जाए, आपको कॉस्मेटिक सर्जन के पास लेके जाऊंगा। पतली नाक, चीक चमकदार, नो रिंकल। लाखों रुपए चाहिए है तुम्हारे पास? बहुत शुक्रिया, यही बहुत खूबसूरत है और यही बहुत काफी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई लाइक इट, वेरी नाइस। ओह, क्या हुआ? अरे देख नहीं रहे कैसे घूर रही है, जैसे चील चूजे को देखती है। वैसे आपस की बात है, इतने अच्छे तो आप दूल्हा बने हुए भी नहीं लगे थे जितने अच्छे आज लग रहे। अब हम चले, और बैंड बाजे का इंतजाम नहीं है। चले, आ जा। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी।
throw the candy. Wait, go mare, go mare. Oh! Aliya bhaji, aapke boss hai. हाय आप अचानक मैं अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक सर. ये आपके लिए हैप्पी एनिवर्सरी. बहुत शुक्रिया बेटा. चलो. सॉरी सर, मैं बगैर बताए चला आया. नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम. माशाल्लाह, यू हैव सच अ लवली हाउस. थैंक यू. आई होप आपको रोजेस पसंद है. बहुत खूबसूरत है मेरा. पहुंच. यू वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. गुड टू सी यू. Likewise. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. मैंने आपकी टैक्सी वाली फिल्म देखी है, बहुत अच्छी लगी. Thank you so much. You're welcome. Assalamu alaikum. मैं आदिया की बड़ी बहन सामिया. The jewelry designer. जी. Of course. आइए आइए प्लीज. आइए. Hello. Hi. How are you? Good to see you. Same here. आइए. आप एक आलिया ने कभी बताया नहीं कि उसका बॉस ऐसा है. कैसा है? जिसके लिए कोई भी लड़की जान दे दे. मेरे समेत चले चले चले. आइए. केक काटने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ. केक काटने देना आप भी. अब क्या, चुप करो. मेरी प्यारी अम्मा, आपने मुझे जीना सिखाया. और अब आपने मुझे लड़ना सिखाया. मानती हूँ कि थोड़ा लेट हो गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं दुनिया फतह कर सकती हूँ. आई लव यू. अच्छा अच्छा, बस बस, हमें भी कुछ कहने का मौका दें यार. मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू अम्मा अब्बा, थैंक यू सो मच. आप दोनों ने मुझे अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाई, मुझ पर एतमाद रखा, मुझे ताकत दी कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूं. थैंक यू सो मच. और मुझे लगता है कि मुझे इस बात पे हमेशा फख्र रहेगा कि आप मेरी अम्मा हैं और आप मेरे अब्बा हैं. एक मिनट, अब जब ये दोनों कह रही हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं? मुझे चिप्स खाने, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने और मुझे मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी. मुझे सच बोलना सिखाया, मुझ पर भरोसा किया. थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट. I love you. मोटरसाइकिल चलाने की बिल्कुल इजाजत नहीं मिली. नहीं, वो मैंने दी है. चिप्स खाने की इजाजत इन्होंने दी होगी. मैंने कोई ऐसी इजाजत नहीं दी और ना ये देंगे. बस. और मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है. अच्छा जी. क्योंकि वो मेरे लिए हर दुकानदार से लड़कर पैसे कम करवाती है और इनमें सबसे ज्यादा पैसे देकर आ जाती है. और मेरे भाई माशाल्लाह करेला, वो भी नीम चढ़ा. मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ. अगर आप कहें तो मैं अपनी जान भी आपको दे दूँ, लेकिन घर जी, आपने मुझे जायदाद दी. आपने मुझे ऐसी जायदाद दी जिस पे कोई दावा नहीं कर सकता. आपने मेरी आंखें और अकल दोनों खोल दी. अच्छा, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ. एक तो आप दोनों बहुत क्यूट हैं और आप लोग मेरे लिए शफकत और मोहब्बत का सिंबल हैं. एंड थैंक यू सो मच मुझे और मेरी अम्मी को अपना फैमिली का हिस्सा समझने के लिए. अरे भाई, तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो. अच्छा. हाँ. अच्छा, कभी कभी महसूस नहीं होता. I guess सिर्फ मैं बाकी रह गया हूँ तो मैं भी कुछ कह देता हूँ. मैं आप सबसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, आई एम लिटरली इन लव विद ऑल ऑफ यू. And I really wish I could be a part of your family, but I guess some things you can just wish for. Oh. अब बस कर दो. हे, मुझे ऐसे लग रहा है मैं धारे फानी से कूच कर रही हूँ और तुम लोग इल्वदाई पैगाम मात रहे हो.
चलिए चलो आइए छुरी फेरिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो खुद ही आ गया। पूछ लो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुझसे पूछ रहे हो। आलिया, अब आप मुझे तुम्हारे इस तरह के सवाल आते हैं और अनकंफर्टेबल करने लगे। मुझे तुम्हारे सरप्राइजेस। थैंक यू सो मच फॉर द लवली डिनर। नॉट एट ऑल। मुझे अगर एक और डिनर पे ना जाना होता तो मैं जरूर और कबाब खाता। एक मिनट रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। तने मेरे हेल्प। अरे नहीं आप। नहीं, इट्स ओके, वेट, आई विल गेट इट। That's sweet. Thank you so much for coming. No, but thank you for introducing me to your lovely family. कबाब कबाब का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी समझ में आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो बहुत ऑब्वियस है पोपो क्या हो रहा है, लेकिन क्या होने वाला है ये नहीं समझ आ रही। और तुम्हारी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है पप्पो, मेरे को जो कुछ भी हो रहा है ना बुरा नहीं हो रहा, बल्कि मैं बुरा होने नहीं दूंगी। वाह भाई, ये कौन सी सामिया, मैं इसे जानती नहीं। मैं भी नहीं जानती थी, पर अब जानती हूँ। अभी कहाँ रख देती है पता नहीं, नहीं मिल रहा। क्या हुआ, क्या नहीं मिल रहा? दवाइयों का डब्बा नहीं मिल रहा। सामने तो रखा है, ये लें। ये असर कैसा लगा आपको? असर? अच्छा है, मगर सलमान से अच्छा नहीं है। सलमान भी अच्छा है, लेकिन असर से तो कोई मुकाबला नहीं है। मुझे लगता है आलिया ने खास तौर पर उसको हमसे मिलवाने के लिए बुलवाया आज। ऐसा नहीं है, अगर आलिया ने उसे बुलाया होता तो हमें जरूर बताती और उसके आने पे इतना हैरान भी ना होती। आगा जी, हमारी बेटियां बेशक मुंह फट सही, लेकिन ऐसी नहीं है कि मुंह खोलकर बस माँ बाप के सामने ऐसी बातें धड़से कर दें। अलमास ने आपसे कोई बात की सलमान के बारे में? की थी, अच्छा हुआ मैंने टाल दिया। वजह? आपने देखा नहीं, इस पर पसंद करता है आलिया को। और आलिया? एक तो बस बाल की खाल उतारना कोई आपसे सीखे। सामिया खैरियत से आई है ना? जी, अब आप उसके पीछे भी पड़ जाइए। तौबा है, एक तो सीधी बात का सीधा जवाब देना तो बस गुनाह है आपके लिए। अब्बा, खैरियत? सुहेल चाचा का मैसेज आया, अगले हफ्ते आ रहे हैं। बेटा, हम सब ने अपनी बिसात भर कोशिश की, तुमने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, मैंने भी कई बरस तक मुकदमे झेले, मगर अल्लाह ताला ने शायद हमारे लिए कुछ और सोच रखा। तो
तुम कोई दूसरा घर तलाश करना शुरू करो। हम सुहेल के आने से पहले पहले इस घर को खाली कर लें। इससे ज्यादा फिक्र तो मुझे सामिया की हो रही। खुश नजर आने की कोशिश में वो रो पड़ती। अब्बा वो खुश ना सही मुतमईन जरूर है। मैं सुहेल भाई से बात करूं? नहीं, बेहतर यही है कि हम ये घर छोड़ दें और कोशिश करें कि अम्मा अब्बा को पता ना चले कि हमें कितना दुख है। अब्बा को तुम्हारे बारे में अंदाज़ा हो चुका है। हाँ, और मुझे लगता है अम्मा को भी अंदाज़ा हो चुका है क्योंकि उन्होंने मेरा सूटकेस देख लिया था। आलिया प्लीज़, तुम अम्मा को संभाल लेना, मैं उनको फेस नहीं कर सकती। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अम्मा सिर्फ तुम्हारी बात सुनेंगी। अल्लाह खैर करे, मुझे ना सिर्फ अम्मा की वजह से डर लग रहा है। क्या कर रही हो? तो अपॉलोजी पोस्ट कर रही हूँ। वजह भाई साहब की परेशानी? मैं अब्बू को और मजीद परेशान नहीं देख सकती। पप्पा अच्छी तरह सोच लो बेटा, अगर तुमने अपॉलोजाइज किया तो लगेगा कि तुमने झूठ बोला था। झूठ बोला था क्या? नहीं पप्पा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो मुझे ही करना होगा ना। जब मोना ही स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे बोलने से क्या होगा? लोग तो मुझे ही झूठा समझेंगे। ऊपर से वो अली, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझे लगता है कि अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज किया तो तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकोगी। मत परेशान हो, भाई साहब को मैं संभाल लूंगी। मैं हूं ना, मत फिक्र करो, मैं हूं ना। ये क्या है? बजट साइन करा दिए। इस पे लिखा है कि तूने एक हफ्ते के पैसे मिल चुके थे। और तुम कोई अपॉलॉजी पोस्ट नहीं करोगी क्योंकि तुम झूठी नहीं हो। आपको पता है कल रात से मैं बहुत खुश हूँ। पूरी रात वजह सोचता रहा। क्या वजह? आपकी फैमिली, वो पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे कभी मिली ही नहीं। इतनी मोहब्बत, इतना पैशन, इतना प्यार। आई रियली मिस्ड इट ऑल माय लाइफ। अब सिर्फ दो ही ऑप्शंस रह गए हैं, या तो आप सब मेरे घर शिफ्ट हो जाएं या फिर मैं आपके। व्हाट? हाँ, अब आगे जान तो मानेंगे नहीं, इसलिए मुझे ही आपके घर शिफ्ट होना होगा। लेकिन उसके लिए सलमान को निकलना होगा।
मेरा मतलब है आपका घर खाली करना होगा। ऐसे कैसे? इतना मुश्किल भी नहीं, आप परेशान ना हो, बस आप साथ दीजिएगा। ओ बाय द वे, मैंने वो आपकी ईमेल पढ़ ली थी, फाइनेंस आपका चेक रेडी कर लेगा। कैसे ना दूर जाओ, मेरे कहने में उसने शादी की थी। बात फैसले करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, खास तौर पे जब इमोशंस इन्वॉल्व्ड हों। गुच्छन कही सी है जो बातें दिल की दिल में ना रहे। अरे मोना, तुम अकेली आई हो क्या? नहीं, अली के साथ आई हूँ। कहाँ है वो उल्लू का, चला गया क्या? बाहर है, अंदर नहीं आ रहा, कह रहा है कि तुम्हें फेस नहीं कर सकता। फेस नहीं कर सकता? ऐसे कैसे फेस नहीं कर सकता? चलो मैं देखती हूँ। अली, अली के बच्चे, क्या बकवास है, दिल चाह रहा तुम्हारा गला घोट दूँ। चलो अंदर। नहीं तानिया, बहुत जल्दी है अभी, अली के साथ लॉयर के पास जा रही हूँ मैं। किस लिए? तुम मेरे लिए लड़ी, एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुमने बहुत सफ़र किया। मुझे लगता था मैं अकेले लड़ ही नहीं सकती, पर जो कुछ तुमने किया और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा तो मामला भी नहीं था ये। एंड यू टुक अ स्टैंड फॉर मी। तुम दूसरों के लिए लड़ सकती हो, तो मैं अपने लिए नहीं लड़ सकती? पर तुम्हारी तो शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सच के लिए लड़ना है, स्टडी कम्प्लीट करना है। और अली ने अम्मी अबू को कन्विंस किया। वाह जी, क्या बात है। Come on. अम्मी, मेरे ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करवा दीजिएगा। क्या करना है इसका? वीजे के लिए अप्लाई करना है। सलमान, आपके साथ मैं भी कनाडा जाऊंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मिलता हूँ। ओके। कहाँ है ये कमबख्त? अस्सलामु अलैकुम ज़रीना, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? शम्मो, सामिया कहाँ है? मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। उससे कहो खुदा का वास्ता घर आ जाए, जब से वो गई है सैफ भी घर नहीं आया। क्या कह रहे हो ज़रीना? कि तुम्हें सामिया ने नहीं बताया? क्या नहीं बताया? Thank you.
निकम्मा। अम्मा लेट जाए, आपकी तबीयत ठीक। अकल आ गई है उसे, भागने की कोशिश कर रहा है वो। अकल आ गई है उसे, इसलिए भागने की कोशिश कर रहा है। अब तुम अकेले क्या करो? क्यों, आप भी भाग रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हें पागल होता हुआ देखना मेरे बस में नहीं। एक ओल्ड होम में जगह मिल गई है मुझे, वहीं जा रहा हूं। चाहो तो कभी कभी मिलने आ जाएगा। अपने ही घर से चले जाएंगे आप? ये अपना घर नहीं, जेल है, जिसमें अपनी कोताहियों और गलतियों की सजा काटी है मैंने। तो आज खत्म हो रही है। बहुत ही फजूल इंसान हो तुम। तुम्हारी मम्मी मेरे घर तक पहुंच गई हैं, मुझे फंसाकर कहां भागने के चक्कर में हो। चलो फौरन। यार मैं सब कुछ बस छोड़ के जाना चाहता हूं। ज्यादा पागलपन करने की जरूरत नहीं है, भाग कर जाओगे कहां? ऑफिस में तुम्हें टर्मिनेट करने की बात हो रही है, जेब में तुम्हारे थैला नहीं है, सारे पैसे तुम्हारी मम्मी के अकाउंट में है, इवन मोबाइल रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं तुम्हारे पास। ज्यादा इमोशनल मत हो, अपनी हालत देखो और अपनी हरकतें देखो। चलो यहां से। तुम्हारी मम्मी की कॉल आ रही है, लो बात करो। हेलो सैफ। सैफ मेरा बच्चा, तू कहां है? देख मैं अकेली मर जाऊंगी, तुझे पता है मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर। तू एक घंटे में घर नहीं आया ना तो बस मेरा मरा मुंह देखेगा, मैं बता रही हूँ, फिर रोना नहीं। यार सोच क्या रहा है?
चल यार। तबाह कर दी मैंने अपनी बेटी की जिंदगी। ऐसा नहीं है शबाबे, आपने शायद गौर से एक बार भी नहीं देखा साबिया को। वो अपने लिए लड़ना भी सीख गई है और जीना भी सीख गई है। खुद को इल्जाम मत दीजिए। कैसे ना दो इल्जाम, मेरे कहने में उसने शादी की थी। पत्थर पड़े थे, मेरी मैं अंधी हो गई थी, बहरी हो गई थी। शबाबे को इस तरह रोने से या मातम करने से आप माजी को तो नहीं बदल सकती, लेकिन अगर आप हिम्मत से काम लें तो मुस्तकबिल को जरूर बदल सकती है। कैसे बदल सकते हो जो बर्बाद हो गया, कैसे सही हो सकते? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार देखिए तो सही सामिया को, देखिए तो उसके चेहरे पे आपको एतमाद मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। तूने एक बार मेरा नहीं सोचा, साम्या का नहीं सोचा, बस शगुफ्ता का सोचा। तू तुझे शादी करनी ना उससे, जा कर ले, लेकिन पहले साम्या से जा सकती। अगर वो इजाजत देती है तो कर ले। लेकिन एक बात सुन ले मेरी, मैं साम्या के साथ रहूंगी, तू रह शगुफ्ता के साथ। तुमने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दी? कर दिया, मगर टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा सच कहूं तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। अपना मुल्क छोड़ के जाने से माहौल तो बदल जाएगा, लेकिन दिलो दिमाग नहीं बदलेगा। जो बातें अधूरी रह गईं, वो एक हास की तरह सारी जिंदगी चुभेंगी। आलिया को बता दी? Thank you.
अम्मा क्या कर रही है? क्या हो गया अम्मा? देखिए सब बेहतर हो जाएगा अम्मा। मैं कह रही हूँ माफ करना। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं जो मुझे मिस कर रही हूँ? मगर हॉटलाइन डिस्टर्ब्ड है। कभी तुम सुनाई देती हो तो कभी लगता है कनेक्शन टूट गया। तुमको मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? आजकल तो अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती। बात फैसले करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, खास तौर पे जब इमोशंस इन्वॉल्व्ड हो। इमोशंस की सुननी चाहिए अकल की? अकल की जैसे मैंने सुनी है। मतलब? मुश्किल फैसला था मेरे लिए कनाडा के लिए इमिग्रेशन अप्लाई करना। असफर की वजह से? अपनी वजह से। उसकी इतनी हैसियत नहीं है, उसकी वजह से मुल्क छोड़ के जाऊं मैं। वाह जबरदस्त। वाकई अकलमंद हो गए तुम। बस और कुछ नहीं कहोगी? हाँ तुमने अपनी अकल से किया है तो ठीक ही किया होगा। वहां जाके कॉफी भेजना, अच्छी बना लेते हो। तुम अब भी हंस सकती हो? हाँ बस हंसी तो सकती हूँ। कुछ छन कहीं सी है जो बात दिल की दिल।